हेलो बच्चों, आपका हमारे आत्मा एकेडमी चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रिज्म। देखिए, लेंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं, रिफ्रेक्शन पढ़ चुके हैं, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, परावर्तन, ये सभी हमने टॉपिक पढ़ा दिए हैं। इसमें लिंक में हमने दे दिए हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म दो सरफेस से घिरा हुआ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। इस प्रकार से प्रिज्म बनता है, ऐसे इसका मैं प्रिंसिपल सरफेस बना रहा हूं ऊपर का। ये प्रिज्म है, ऐसे ये इसका सरफेस है, ऐसे ऐसे सरफेस होगा। जैसे ताश का पत्ता आप ले लीजिए, ऐसे ऐसे रख दीजिए, एक पत्ते को ऐसे रख दीजिए, एक नीचे रख दीजिए, एक सामने रख दीजिए, एक ऐसे रख दीजिए, ठीक है। वैसे तो ये आपने लैब में देखा होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपकी जो ये सरफेस ए बी सरफेस है और ये ए बी सरफेस, ये आई स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्यों? हमने उसका बॉर्डर बनाया है। ये पूरा सरफेस इस प्रकार से होगा, पूरा एक तरीके से एक सरफेस 3D बनेगा। तो जो ए बी सरफेस है और ए सी सरफेस है, ये आपका है रिफ्रेक्टिंग सरफेस। क्या है ये? रिफ्रेक्टिंग सरफेस। इसी से अपवर्तन होता है, रिफ्रेक्शन होता है, ठीक है। जो बी सी है प्रिज्म का, ये ताज का पत्ता जो ऐसे रखा है, जैसे नहीं ऐसे आप ताज का पत्ता लीजिए, ठीक है, एक ऐसे खड़ा कर दीजिए, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे ऐसे खड़े कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो ताश पत्ते खड़े हैं, ये एक रिफ्रेक्टिंग सरफेस है, एक ये वाला है, एक नीचे रखा आपने, ये बेस है, एक पीछे लगा, एक आगे लगा, ठीक है। ये फ्रंट फेस इसका दिखा रहे हैं, ठीक है, ये इसका बॉर्डर है। और बीसी जो है ये इसका बेस है, यानी इसका हम कह सकते हैं ये आधार है। और ये जो एंगल ए ये है, ये प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म एंगल है। और ये आपका जनरली जो इक्विलेटरल प्रिज्म होता है उसका एंगल 60 डिग्री होता है, जो लैब में आपको मिलता है ज्यादा 60 डिग्री होता है, लेकिन ये 90 भी हो सकता है, ये 45 भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इससे रिफ्रेक्शन कैसे होता है, रिफ्रेक्शन थ्रू अ प्रिज्म। देखिए ध्यान से, ये प्रिज्म क्या होता है, ये हल्का सा कभी आता नहीं लेकिन थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। प्रिज्म से रिफ्रेक्शन कैसे होता है? रिफ्रेक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रेक्शन थ्रू प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए ध्यान, ये एक प्रिज्म है, हमने बताया कि दो इसके रिफ्रेक्टिंग सरफेस हैं और ये इसका बेस है, ये ए बी सी, बी सी इसका बेस है, ए बी आपका रिफ्रेक्टिंग सरफेस है, ए सी आपका रिफ्रेक्टिंग सरफेस, ठीक है। यहां पे एक लाइट रे आपने गिराई, ये पी क्यू जो है एक लाइट रे गिरी, तो पी क्यू क्या यहां पर है? तो आप कहेंगे पी क्यू जो है वो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, ठीक है। अब इसको लेंस के अंदर, प्रिज्म के अंदर जाना है, तो यहां पे एक नॉर्मल खींच देंगे आप, ऐसे ऐसे नॉर्मल खींच दिया आपने, अभिलंब खींच दिया आपने, ये जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी उसको हम कहेंगे आई, यानी एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब इसके अंदर लाइट को जाना, जरा देखिए, अगर ये प्रिज्म ना होता, ठीक है, तो ये लाइट रे सीधी चली जाती यहां पर, ऐसे चली जाती, ऐसे चली जाती, नहीं चली जाती, सीधे जाती है, क्योंकि जानते हैं स्ट्रेट लाइन में लाइट चलती है। ये पूरा एंगल कितना होता? आई डायग्राम थोड़ा टेक्निकल तो नहीं है, समझ लीजिएगा, ये सीधे आपने बढ़ाया, सीधे बढ़ाया, पूरा एंगल कितना होता? आई। लेकिन चूंकि ये प्रिज्म है बीच में, तो लाइट जैसे प्रिज्म के अंदर जाएगी, यानी रेरर मीडियम से डेंसर में जाएगी, तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, तो नॉर्मल की ओर झुकती भी ऐसे चली जाती है, ठीक है, क्यू आर डायरेक्शन में चली गई, तो ये रिफ्रेक्शन हो गया। तो क्यू आर क्या है? रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्रेक्टेड रे, और रिफ्रेक्टेड रे जो इससे एंगल बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ, सॉरी, रिफ्रेक्शन, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। अब यहां पे गिरी, ठीक है, अब इसको बाहर निकलना है, तो यहां पे एक नॉर्मल हमने खींच दिया,
लियोनार्डो दोनों यहां कहीं कट कराएंगे हम ई पॉइंट पे, ठीक है। इस एंगल को मैंने मान लिया आर डैश, ये भी आप कह सकते हैं ये भी इंसिडेंट एंगल है, सेकेंड सर्फेस पे लाइट गिरी है, आर डैश हमने मान लिया इसको, ठीक है। अब लाइट बाहर निकलेगी, ठीक है, तो बाहर चूंकि रेरर मीडियम है तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी आर एस डायरेक्शन में, तो आर एस इमरजेंट रे, आर एस क्या है, इमरजेंट रे, और ये जो एंगल है आई डैश, कहीं कहीं पर इसको ई लिखा जाता है, कहीं कहीं किसी बुक में लिखा होगा, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल आई डैश जो है वो है एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंस। अब जरा समझिएगा, ये तो हो गया रिफ्रेक्शन कैसे हुआ प्रिज्म से, ठीक है। अब यहां पे आइए एंगल ऑफ डेविएशन, यहां पे आप बैठे हुए हैं, यहां आपकी आई ऐसे रखी हुई है, आपको कैसे लगेगा ये लाइट रे कैसे आई? हमको लगा लाइट ऐसे जा रही थी, वो ऐसे घूम के आ रही, ये तो लगेगा कि आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं देख सकते ना, तो आपको लगेगा अगर इसको हम पीछे बढ़ा दें तो ये जो एंगल डी पॉइंट पे है ये, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर हमसे ये डेफिनेशन पूछे कि भाई एंगल ऑफ डेविएशन किस बला का नाम है, तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, यानी इमरजेंट रे मतलब निर्गत किरण, ये निर्गत किरण है, निर्गत किरण, और ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे आप जानते हैं, तो आप कह सकते हैं कि निर्गत किरण यानी इमरजेंस रे और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो ये तो है एंगल ऑफ डेविएशन। आप इसका कुछ रिलेशन देखते हैं ध्यान से, ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखिएगा तो सब कुछ डायग्राम के तहत होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमने अभी कहा था कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा एंगल कितना है आई, इतना एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे आई माइनस आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये ट्राइंगल डी क्यू आर दिख रहा है, ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी क्यू आर, डेफिनेशन तो हो गई इसकी एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। अब जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं, आई और आर के टर्म में कैसे निकलती है वैल्यू, देखिए इस ट्रायंगल में ये लाइन आगे बढ़ाई गई है, तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल बाईस कोण, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, इसका डेल्टा क्या होगा, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल, यानी डेल्टा इज इक्वल टू एंगल डी क्यू आर प्लस एंगल डी आर क्यू। आपने छोटे क्लास पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक साइड बढ़ा दो तो ये जो एंगल बाहर का होता है उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, और ये दो अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होते हैं, ये पढ़ा है आपने, बाईस कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, यानी कि यह है आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, ये डेल्टा हो गया। इसको एक क्वेश्चन वन फिलहाल डाल दीजिएगा। अब जरा समझिएगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है क्यू ई आर, इन ट्रायंगल क्यू ई आर, ये आर है, ये आर डैश है और ये ई है, इन तीनों का सम कितना है 180 डिग्री, आर प्लस आर डैश प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये ट्रायंगल का नियम है, ठीक है। अब जरा ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज ए क्यू ई आर दिख रहा आपको, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ई आर, इसके चारों एंगल का सम कितना है 360, एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360। देखो एंगल ए तो प्रिज्म एंगल है, ठीक है, जरा एंगल क्यू देखिए, ये नॉर्मल खींचा था आपने, ये पूरा 90 डिग्री होगा, एंगल ई मुझे नहीं मालूम, एंगल आर भी 90 है, इज इक्वल टू 360,
90 प्लस 90 180 उसको उधर ले जाओ, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। इसको एक क्वेश्चन नंबर थ्री डालो, जरा देखिए ध्यान से। इक्वेशन नंबर टू और थ्री को देखिए, बाय क्वेश्चन टू एंड थ्री आपने कहा कि R प्लस आर डैश में जो हमने E प्लस किया है तो 180 आया है, आया है। हमने कहा A में जब E प्लस किया है तब 180 आया है, मतलब क्या हुआ? मतलब R प्लस आर डैश किसके इक्वल है? R प्लस आर डैश इज इक्वल टू E के इक्वल है, सॉरी A के इक्वल है। ये इक्वेशन फोर हो गया, इसका इस्तेमाल यहां कर दिया जाए इक्वेशन नंबर वन में। यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन वन, तो डेल्टा इज इक्वल टू आएगा आई प्लस आई डैश माइनस ए। ये क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया, तो ये आपका डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब यहां हम बात करने जा रहे हैं मिनिमम डेविएशन के लिए। देखिए इसी में चूंकि प्रूफ होना है इसलिए हम इसी में इसको बनाएंगे, फॉर मिनिमम डेविएशन यानी कम से कम डेविएशन हो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा, अभी हम बाद में बताएंगे ग्राफ खींच करके। फॉर मिनिमम डेविएशन हमने क्या किया, जो हमारा इंसिडेंट एंगल था और जो एंगल ऑफ डेविएशन था डेल्टा, उसके बीच में हमने ग्राफ खींचा। हमने यहां पर क्या किया कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था और डेल्टा के बीच में हमने एक ग्राफ खींचा। हमने देखा जब आई की वैल्यू बहुत कम रखी हमने तो डेल्टा ज्यादा था, आई थोड़ा बढ़ाया डेल्टा कम हो गया, आई और बढ़ाया डेल्टा और कम हो गया, आई और बढ़ाया डेल्टा फिर बढ़ गया, आई और बढ़ाया डेल्टा फिर बढ़ गया। तो हमने देखा हमको ग्राफ ऐसा मिलता है, ठीक है, यानी इस आई की वैल्यू पे डेल्टा यहां पे मिला है, इस आई पे डेल्टा यहां पे मिला है, और एक ऐसी आई की वैल्यू आई है जहां पर डेल्टा हमको सबसे कम मिला है। और जब हमने इस आई को जो एंगल ऑफ इमर्जेंस था ना आई डैश, अभी की हम बता रहे थे, जब उससे कंपेयर किया तो आई और आई डैश सेम आई। ये ग्राफ है मीन डेल्टा और ये ग्राफ है, इसके बीच में ग्राफ आई और डेल्टा के बीच में। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये हवा में बात नहीं हो रही है, हमने एक्सपेरिमेंट किए कि एक पर्टिकुलर आई की वैल्यू पे हमने देखा डेल्टा मिनिमम आता है। तो फॉर मिनिमम डेविएशन इसी में आगे बढ़ाएंगे, फॉर ये अलग अलग है टॉपिक, ये अलग कहीं लिखेंगे ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल्टा, तो फॉर मिनिमम ये अलग कर दीजिएगा, ये चीज अलग समझाने के लिए कर रहे हैं, यहां की बात कर रहे हैं। तो फॉर मिनिमम डेविएशन हमने देखा आई और आई डैश की वैल्यू सेम है, आर और आर डैश की वैल्यू सेम है, और डेल्टा का हमने मान रख दिया डेल्टा मिनिमम, एम बना दिया, उसका नाम दे दिया डेल्टा एम है। तो जरा इक्वेशन फोर देखिए, इक्वेशन फोर देखिए पहले, बाय इक्वेशन फोर देखिए जरा, ये टू आर हो जाएगा, टू आर इज इक्वल टू ए, तो आर की वैल्यू क्या आएगी ए बाई टू। इक्वेशन फाइव देखिए, बाई इक्वेशन फाइव डेल्टा को क्या लिखेंगे, डेल्टा मिनिमम, आई और आई डैश सेम है तो ये टू आई हो जाएगा माइनस ए, तो आई की वैल्यू क्या आएगी ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू। तो अगर यहां पर स्नेल्स लॉ लगा दें हम, बाय स्नेल्स लॉ हम इस प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालने जा रहे हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो बाय स्नेल्स लॉ एन बराबर क्या होता है साइन आई अपान साइन आर, तो साइन आई क्या होगा ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू अपान साइन आर की वैल्यू क्या है ए बाई टू। तो ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, तो जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आएगा निकालने के लिए तो आप पूरा डेरिवेशन करेंगे शुरुआत से,
डायग्राम दिखाएंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे दिखाएंगे, आई और डेल्टा दिखाएंगे, फिर आप कहेंगे ये ग्राफ नहीं खींचेंगे वहां पर, फिर आप कहेंगे कि फॉर मिनिमम डेविएशन आई और आई डैश सेम होते हैं, आर और आर डैश सेम होते हैं, ऐसा मैं जानता हूं, मैंने एक्सपेरिमेंट किया। जब मैंने ये आई और आई डैश की वैल्यू दिखाई तो वहां जब आर और आर डैश को देखा गया तो ये दोनों सेम आ रहे थे, हम हवा में नहीं बात कर रहे, ठीक है। फिर कहेंगे डेल्टा मिनिमम होता है, फिर वैल्यू रखेंगे और इस प्रकार से आप वैल्यू निकाल के लाएंगे। अब एक यहां पर एक स्पेशल केस आता है, एक स्पेशल केस देखिएगा, अगर एक प्रिज्म छोटा, स्पेशल केस, स्पेशल केस फॉर थिन प्रिज्म, थिन पतले प्रिज्म के लिए। देखिए पतले प्रिज्म का मतलब क्या होता है, वहां पर जो एंगल्स होंगे वो बहुत छोटे होंगे, तो जब एंगल बहुत छोटे हो जाते हैं तो लिमिट में हमने पढ़ा है कि साइन थीटा को क्यों थीटा लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो n बराबर आ जाएगा, देन जो n इज इक्वल टू आएगा वो आएगा, साइन हट जाएगा यहां पर, a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू अपॉन a बाई टू, बस साइन हट गया, एंगल्स हट जाएंगे, ये टू टू कट जाएगा, a को इधर ले आओ, एन ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम, तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आएगी n माइनस वन इंटू ए, तो ये आपका थिन प्रिज्म के लिए होगा। अब आप कहेंगे भाई इसका इस्तेमाल कहां करेंगे, एक तो थिन प्रिज्म के लिए करेंगे पहली चीज, जब हम लेंस की बात करेंगे तो हमने बताया है आपको कि लेंस एक्चुअली होता क्या है, लेंस छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर के बना होता है, ये प्रिज्म है छोटा, तो जब लेंस के साथ ऐसा रिफ्रेक्शन होगा और वहां कहीं डेविएशन की बात आएगी, डेविएशन की बात तो आएगी क्योंकि लाइट जो गिरेगी वो अपने रास्ते तो जाने से रही, वो कभी प्रिंसिपल एक्सिस की ओर झुक जाएगी, कभी दूर भाग जाएगी, तो डेविएशन तो होगा उसमें, तो उस डेविएशन वाले एंगल को निकालने के लिए हम बात करेंगे, तो हम थिन प्रिज्म लेकर के चलेंगे और वहां पर ये डेल्टा हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद आता है डेविएशन ऑफ, डेविएशन एंड डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाई प्रिज्म। ये देखा गया कि जब एक तो वर्ड यहां पर डेविएशन आया है, डेविएशन का मतलब होता है कि वो अपने पथ से जो है घूम जाए, और एक डिस्पर्सन होता है यानी बिखर जाए, दो वर्ड यहां पर आए। हमने देखा है कि जब प्रिज्म पे कोई व्हाइट लाइट गिरती है, इस प्रकार से कोई व्हाइट लाइट गिरती है, व्हाइट लाइट, तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक हो जाती है। हम जानते हैं प्रिज्म जो लाइट होती है, व्हाइट लाइट में सात विजिबल कलर होते हैं, जिन कलर को हम देख सकते हैं, तो वो ये सात कलर में ब्रेक हो जाती है, एक दो तीन चार पांच छ सात, जिसको कि आपके विव्योर पढ़ा है आपने, ठीक है, विव्योर पढ़ा है, वी आई बी जी ओ वाई आर, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन ऑरेंज येलो रेड, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, देख लीजिएगा जरा जी ऑर्डर वही है शायद, ये आपने पढ़ा है। तो ये सात कलर में ब्रेक हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसी को डिस्पर्सन कहते हैं। जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती, जरा इसके नाम देख लीजिएगा, यही है वी आई बी जी वाई ओ आर, हाँ ठीक, अरे वाह, वाई ओ आर है, ये वाई है, ये येलो ऑरेंज आर, ये विप्योर है, ठीक है, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्यों होता है भाई ये, इसलिए होता है कि जब लाइट व्हाइट लाइट वैक्यूम में चल रही होती है तो ऑल द कलर्स आर हैविंग द सेम वेलोसिटी, बट एज दे इंटर इनसाइड द प्रिज्म, प्रिज्म हैज अ मटेरियल डेंसर मीडियम, और आप जानते हैं द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट, उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, उनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, तो अलग अलग वेलोसिटी होने की वजह से वो अलग अलग डेविएट हो जाती है। मान लिया छह सात लोग साइकिल से जा रहे हो, मोटरसाइकिल जा रहे हो, और एकदम से भीड़ में आ जाए तो हम जैसा व्यक्ति दुबक जाएगा, किनारे पीछे हो जाएगा, क्योंकि वो स्पीड कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब आता है डेविएशन, किन्हीं दो
कलर्स के बीच जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल होता है, उसको कहते हैं डेविएशन। अब हम बात दो कलर की करते हैं तो हम दो कलर लेंगे वायलेट और एक लेंगे रेड। देखो दो ही लोगों की पूछ है समाज में भी, जो बहुत झुकता है बड़ा हम्बल है वेरी गुड उसको, या जो बिल्कुल दबंग रहता है उसको, और जो बीच वाले होते हैं वो तो ठीक है। तो यहां पर भी पूछ दो ही की है, एक वायलेट की है क्योंकि बहुत झुकता है बड़ा विनम्र है जहां गया प्रणाम, और रेड जो होता है बड़ा दबंग होता है वो झुकता उगता नहीं। तो यहां भी दो की पूछ है। तो हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर डेविएशन की, ठीक है, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है एंगुलर डेविएशन। एंगुलर डेविएशन देखिए, हमने ये प्रिज्म लिया, ये प्रिज्म है, ये एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये कैसी लाइट है, ये व्हाइट लाइट है, ठीक। एक्चुअली अगर प्रिज्म ना होता तो लाइट सीधी चली जाती, ठीक है, लेकिन हुआ यूं कि ये अलग अलग कलर में ब्रेक हो गई, हमने दो कलर लिए हैं, एक वायलेट और एक रेड, ठीक है। तो ये वायलेट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा वी, और ये रेड के लिए है डेल्टा आर, अभी पढ़ चुके हैं आप। तो इनके बीच का जो एंगल होता है, कितने एंगल से दोनों घूम गए, ये अगर 60 डिग्री से घुमा है, ये 45 से घुमा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल था 15 डिग्री, दैट इज एंगुलर डेविएशन। तो इसको हमने पीछे बढ़ाया, लाल को पीछे बढ़ाया, तो ये एंगुलर डेविएशन है थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू, ये डायग्राम से क्या दिख रहा है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा। अब मैं थिन प्रिज्म के बारे में बात कर रहा हूं, तो अभी आप पढ़ चुके हैं एस डेल्टा इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा है एन माइनस वन इंटू ए, तो जो डेल्टा वी लिखेंगे तो यहां हम क्या लिखेंगे, एन वी माइनस वन इंटू ए, एंड डेल्टा आर जब लिखेंगे तो आएगा एन आर माइनस वन इंटू ए। तो सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से उठा करके तो आएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो ये है एंगुलर डेविएशन, ठीक है। कभी कभी आता है कोणीय प्रक्षेपण कहा जाता है, इसको कहते हैं हिंदी में कोणीय प्रक्षेपण, ठीक है। और एक आता है एंगुलर डिस्पर्सिव पावर, एक डेफिनेशन आती है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर नाम से लग रहा है किसी भी प्रिज्म के जब व्हाइट लाइट गिरती है तो प्रिज्म का वो पावर कि प्रिज्म वो कितना झुका सकता है उसको, ठीक है, वो उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। तो देखा यह गया कि दो लाइट रे के बीच का एंगुलर डिस्पर्सन थीटा, और जो मिडिल रे यहां पर है, मिडिल रे को हम येलो कलर मानते हैं, येलो कलर का एंगल ऑफ डेविएशन का जो रेशियो होता है उसको एंगुलर डिस्पर्सिव पावर कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ टू लाइट रे एंड द टू द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ मिडिल रे, मीन रे, मीन रे को येलो रे माना जाता है। थीटा भी हम निकाल चुके हैं एन वी माइनस एन आर इंटू ए, और डेल्टा वाई निकाल चुके हैं एन वाई माइनस वन इंटू ए, ए कट जाएगा तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस वन। ये आपका एंगुलर डिस्पर्सन है। इस प्रकार से प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से कैसे लाइट डेविएट होती है, उसमें डेविएशन कैसे होता है, कैसे एंगुलर डिस्पर्सन होता है, इसके बारे में हमने बात की। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है थोड़े बहुत, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।